हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहा जाता है कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, ये जो टॉपिक है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसके जो डेरिवेशन है इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप IIT जैम के स्टूडेंट हो तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी फिलहाल BSc में हो, ये टॉपिक एक्सक्लूसिवली मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता है। और इस टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट हम डेरिवेशन है, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले जो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे, जिसको कहा जाता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। नाउ ये पॉलीमर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पॉलीमर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको, या यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो जहाँ पे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के साथ डील करते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के साथ डील करते हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ना देखो, हमें पता है कि कंसेक्यूटिव रिएक्शंस किसको कहा जाता है। कंसेक्यूटिव रिएक्शंस का मतलब होता है मेरे पास एक एलिमेंट है ए जो मुझे देगा बी और ये बी मुझे देगा सी। तो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से इसको ए ने मुझे बी दिया और बी ने मुझे सी दिया, तो बी जो मेरा था ये यहाँ पर इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। तो ए से बी जाना इस फर्स्ट रिएक्शन जिसके रेट कॉन्स्टेंट को हम K1 कहेंगे, बी से सी जाना यानी सेकंड रिएक्शन इसके रेट कॉन्स्टेंट को हम K2 कहेंगे। अब K1 इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन, K2 इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर सेकंड रिएक्शन। यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रहोगी। अच्छा, मान लो टाइम मेरे पास टाइम जीरो है, T0। जब टाइम जीरो हुआ होगा तो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन किसका हुआ होगा, A0 का हुआ होगा। तो A0 विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, लेकिन बी और सी उस समय क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे इसको मार्क करके रख रहा हूं मैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? जब इनिशियल टाइम हुआ होगा, जब टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ होगा, उस समय ए का कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा A0 कहलाएगा, उस समय B0 और C0 क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मेरे पास स्टार्टिंग में ये 10 था, यहाँ पे 7 चला गया, 7 में से फिर यहाँ पे ये 3 चला गया, तो पीछे कितना रह गया, पीछे रह गया 5 या पीछे रह गया 4 और 3 आगे चला गया, यहाँ पीछे कितना रह गया, यहाँ पे पीछे रह गया लेट अस से कितना चला गया था 7, तो यहाँ पर रह गया 3। अब देखो 4 और 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो टोटल मिला के स्टार्टिंग में कितना था 10 था, 3 रह गया, 4 चला गया, उस 4 में से भी 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ टोटल A0 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इनिशियली, तो कहना है राइट 10 इज नथिंग बट 3 + 4 + 3, क्योंकि ये सब कुछ पहले क्या था, A0 ही तो था। तो कहना है A0 इज नथिंग बट A अभी कितना है, इस समय A कितना, इस समय A 3 है, इस समय B कितना है, B इस समय 4 है, तो ये 4 हो जा, C इस समय कितना है, C इस समय 3 है, तो 3 + 4 + 3 इज इक्वल टू 10 और 10 तो मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। तो कभी भी अगर आपको A0 मेंशन करना हो इनिशियल कितना था, तो दैट इज AT + BT + CT, A ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम, B का कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम, C का कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम। अब हमें काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर के मैकेनिज्म से एक चीज़ पता है, हमारा एक इक्वेशन हमारे पास आता था जब हम इंटीग्रेट करते थे कि AT / A0 का फॉर्मूला होता है e^(-k)×t। आई होप आपको ये डेरिवेशन याद होगा, फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स में हमने निकाला था जब हम क्या करते थे, DA / A को इंटीग्रेट करते थे और यहाँ पे रखते थे -k × t, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद नेचुरल लॉग ऑफ A आता था, कहाँ से कहाँ तक, A0 से लेके AT तक आता था, करेक्ट है ना? ऐसा कुछ हमने इंटीग्रेशन किया है। तो मुझे वहाँ से पता है कि AT / A0 इज इक्वल टू e^(-kt). अब याद रखना AT / A0, ठीक है? अब तो AT कितना हो जाएगा, AT विल बी इक्वल टू A0 × e^(-k1)×t, बिकॉज मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं पहले रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं AT की, A उस समय कितना है, तो डिपेंड करेगा कि कितना गया, तो K1 × A0, समझ में आया? तो मुझे AT का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, पहला मुझे फॉर्मूला मिल गया जहाँ पे मैं, अब मुझे निकालना है B कितना है, इस समय B कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अब उसको समझने के लिए मुझे 3 रेट्स को लेना पड़ेगा। देखो मुझे पता है A के गायब होने का रेट कितना होगा, A के गायब होने का जो रेट है -dA/dt विल बी इक्वल टू K1 × AT, तो मैंने माइनस यहाँ ले लिया, आप चाहो तो माइनस वहाँ पे ले सकते थे, तो -dA/dT क्या हो जाएगा, K1 × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट दैट टाइम। अब AT का फॉर्मूला क्या है, AT का फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला, तो AT का फॉर्मूला, तो K1 वहीं पे रहेगा और AT का फॉर्मूला मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा B के फॉर्मेशन का, B यहाँ बन रहा है ना, B बन रहा है, तो B के फॉर्मेशन का रेट कितना होगा भाई, बना कितना और उसमें से गायब कितना हो गया, तो बना कितना K1 × A, तो K1 × AT, कितना बी बनेगा वो डिपेंड करेगा K1 कितना है, यानी इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ जितना A का गायब होने का रेट है उतना ही तो B के बनने का रेट है ना,
लेकिन उसमें से गायब भी तो हो रहा है, गायब कितना हो रहा है, के टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो के टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टी, तो टोटल अब मेरे पास बी कितना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी कितना है, कितना बना और उसमें से कितना गायब हो गया। अब कितना गायब हो गया उसका रेट कितना होता है, माइनस डी बी बाई डी टी, बी कितना गायब हो रहा है, तो के टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, के टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इतनी चीज़ों की मदद से मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट निकालना है, क्योंकि ए टी तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बी टी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मुझे पता है मेरे पास दो इक्वेशन थे, अगर मैं पहले इक्वेशन को देखो, पहला इक्वेशन मेरे पास ये था और सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये था, तो मैं क्या माइनस डी ए बाई डी टी मेरे पास ये पहला इक्वेशन था और मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस को मैं यूज़ करता हूँ। कैसे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मैंने डी बी बाई डी टी का फॉर्मूला लिखा, डी बी बाई डी टी का मेरा फॉर्मूला क्या था, डी बी बाई डी टी का फॉर्मूला था के वन इंटू ए टी फॉर्मेशन माइनस के टू इंटू बी टी, यही फॉर्मूला था मेरे पास, कितना ए वन बना और उसमें से कितना गायब हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, के वन तो वहीं पे रखता हूँ, के वन और ए टी की जगह क्या लिख देता हूँ, ए जीरो इंटू ई रेज टू माइनस के वन इंटू टी, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और बी के टू को वहीं पे रखता हूँ और बी टी को वहीं पे रखता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, एक काम करो, इस पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है ना, इसको यहाँ साइड में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के वन इंटू ए जीरो इंटू ई रेज टू माइनस के वन इंटू टी, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो दोनों तरफ इस इक्वेशन की तरफ और इन दोनों इक्वेशन, इसको अगर मैं ब्रैकेट डाल दूं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला टर्म मैंने उधर ले लिया है, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, ई रेस टू प्लस के टू इंटू टी के साथ, ई रेस टू प्लस के टू इंटू टी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ई रेस टू प्लस के टू इंटू टी के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो किया उसमें तो देखो ई रेस टू कॉमन है, तो माइनस के वन इंटू टी और प्लस के टू इंटू टी, माइनस को कॉमन निकाल लो बाहर, माइनस को कॉमन निकाला तो के वन माइनस के टू बचेगा इंटू टी आ जाएगा। देखो इसमें से मैंने माइनस को कॉमन निकाला, ठीक है, तो मेरे पास के वन इंटू ए जीरो रहेगा, के वन इंटू ए जीरो रहेगा और ये टर्म यहाँ आ जाएगा। इस साइड में क्या होगा, ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये वाला इक्वेशन मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद k2 इंटू बी टी इंटू ई रेस टू के टू इंटू बी टी आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना जरा, k2 इंटू बी टी इंटू ई रेस टू के टू इंटू टी आया ना मेरे पास। अच्छा मुझे एक इक्वेशन बता दो, मेरा इक्वेशन मुझसे क्या कहता है, बी टी अपॉन बी जीरो इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या आएगा, ई रेस टू माइनस के टू इंटू टी, बराबर है, ये जैसे ए टी का फॉर्मूला मेरे पास आया, ए टी का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, ए टी बाई ए जीरो का फॉर्मूला क्या था, ई रेस टू माइनस के वन इंटू टी था, तो बी टी बाई बी जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, ई रेस टू माइनस के टू इंटू टी, समझ में आ रहा है। अब एक काम करो, इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, तो बी जीरो बाय बी टी मेरे पास बचेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई रेस टू प्लस के टू इंटू टी हो जाएगा जब रिवर्स करोगे तो। तब बी टी को वहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो जब बी टी को वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बी टी इंटू ई रेस टू के इंटू टी विल बी इक्वल टू बी जीरो, समझ में आया। अरे पर बी जीरो का कॉन्सेंट्रेशन तो हमने जीरो मान के चला है ना पहले से, हमने इनिशियल कंडीशन ही क्या मान के चला है कि बी जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो कहना इसे ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म यहाँ पर है, ये पूरा टर्म जो मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म मेरे पास से चला गया। तो फाइनली मेरे पास क्या क्या बचा, फाइनली मेरे पास ये वाला टर्म बचा और फाइनली मेरे पास ये टर्म बचा, इसको इधर लिख दो, तो डी बी बाई डी टी इंटू ई रेस टू के टू इंटू टी विल बी इक्वल टू के वन इंटू ई जीरो ई रेस टू माइनस के वन माइनस के टू। अब सिर्फ इसका मैथमेटिक्स करना है, कैसे, डी टी को वहां लेके जाओ तो डी टी वहां चला जाएगा, ई रेस टू के टू इंटू टी को यहीं पे रखो, डी टी यहां चला, अब इंटीग्रेशन कर दो। अब इसको जब इंटीग्रेशन, ये तो कॉन्स्टेंट चीज है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब वही टर्म वापस से रिपीट हो जाएगा, तो बी इंटू ई रेस टू के टू टी बचेगा, के वन और ए जीरो तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एनी थिंग रेस टू ई जो होती है वो वन अपॉन में आती है, एनी, अब ई के रेस टू में टी है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस रेस टू टी इंटू टी, तो एनी थिंग जो रहेगी ई रेस टू में वो हमेशा किस में आएगी, डिवीजन में आएगी, वन अपॉन माइनस के वन इंटू के टू, और जो ई रेस टू का फंक्शन है वो वापस से रीअपियर हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट सी के साथ, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये वो वाला सी नहीं है जो आपने यहाँ देखा, ये वाला सी टी नहीं है, ये समझ में आया, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के वन इंटू ए जीरो, के वन इंटू ई जीरो इंटू, ये जो ऊपर का टर्म था वो नीचे आ गया, वन अपॉन आ गया, ई जो था वैसे का वैसा रहेगा, सी आ गया। अब मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करके, जब टाइम का वैल्यू कितना हुआ होगा जीरो और बी का वैल्यू, उस समय बी जीरो का वैल्यू कितना हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, टाइम का वैल्यू जीरो तो बी का वैल्यू कितना होगा, जीरो, क्योंकि उस समय तो पूरा का पूरा ए में ही रहेगा, तब मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा। अभी देखो इसको मैंने दोबारा लिख दिया, तो फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना निकल के आएगा। अब जब अगर तुम वहाँ पे अगर टाइम की वैल्यू को जीरो कर दोगे, यहाँ
टाइम की वैल्यू को जीरो करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पर तुमने बी का वैल्यू कितना कर दिया जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ सी। सी को अगर मैं इसको सी को यहीं पर रखूँ और इस पूरी चीज़ को वहाँ पे लेके चले जाऊँ तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या बचेगा, माइनस के वन, क्योंकि आप देखो यहाँ पे प्लस के वन ए जीरो था, ये इसके साथ था, तो ये पूरा टर्म पीछे चले जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस के वन। अब इसको प्लीज़ पीछे रिवाइज करके एक बार रिमाइंड करके देख लेना, माइनस के वन इंटू ये पूरा टर्म आएगा और ई रेस टू जीरो बचेगा, एनीथिंग रेस टू जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, और मेरे पास सिर्फ अब ये वाला टर्म यहाँ पर बचेगा, तो मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। अभी इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया जाएगा, कहाँ सब्सटीट्यूट किया जाएगा, कैन यू सी दिस, यहाँ पर ये प्लस सी था ना, प्लस सी की जगह मैं किसकी वैल्यू डालूंगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मुझे मिला तो वो वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, कैन यू सी दिस, इस वैल्यू को मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया और ऑलरेडी ये मेरे पास किसका, ऑलरेडी मेरे पास जो मिला हुआ था ये था, समझ में आया। अब अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, k1 into a0 कॉमन है, बाहर निकाल लो, k1 into a0 को बाहर निकाला, ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है, ये रेस टू माइनस वन है ना, रेस टू माइनस वन का मतलब वन अपॉन, तो ये वन अपॉन में आ गया, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, माइनस वन के साथ है तो वन अपॉन आ जाएगा। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, इसमें से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर तुम चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन कैसे कॉमन निकालोगे, k2 - k1 करके कॉमन निकालोगे, क्या करके, k2 - k1 कॉमन निकालोगे। तो देखो, जब k2 - k1 करूंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, k2 - k1 करूंगा तो ये भी प्लस में आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, दोनों को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा, e^(-k1 - k2)t e^(-k1 - k2), ये वाला टर्म बचेगा ऊपर, देखो ये वाला टर्म, और यहाँ पर सिर्फ माइनस वन बचेगा, यानी ये सिर्फ माइनस वन यहाँ पे बचेगा, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों तो मैंने क्या कर लिए, बाहर निकाल दिए, वो भी k2 - k1 करके। इसके बाद करना क्या है, अब ये देखो, ये k1 ये यहाँ हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये टर्म देख रहे हो, ये वाला टर्म जो यहाँ पे था ये, अब ये वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b(e^(k2)t को नीचे ले लो, जब नीचे लोगे तो यहाँ पर भी चला जाएगा और वो यहाँ पर भी चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर ये टर्म यहाँ आ गया, ये टर्म यहाँ आ गया, समझ में आया, तो ये वाला पूरा टर्म यहीं के। अब इसको थोड़ा ऊपर ले लो, जब तुमने इसको ऊपर लोगे और इसको भी ऊपर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, -e^(k2)t बन जाएगा। इसको जब, अच्छा पहली बात तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लो यहाँ पे, इसके ब्रैकेट को, तो क्या बचेगा, e^(-k1)t और ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +k2(t) और ये टर्म जब ऊपर चला जाएगा तो -k2 बन के ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू में आएगा पर माइनस में आएगा। अब यार तुम देखो ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनटू में है ना, तो क्या बनेगा, e^(-k1)t + k2(t) - k2(t) कि इनटू में तो कॉमन हो जाएगा ई और ई, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, e^(-k1)t - e^(-k2)t और ब्रैकेट का बाहर का ये पूरा टर्म जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा टर्म यहाँ के यहाँ बचेगा, तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मिल गया। क्या मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, बी एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू a0 × k1 / k2 - k1 · e^(-k1)t e^(-k2)t एंड दैट्स द इक्वेशन फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। नाउ इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ मेरे मेन इक्वेशन में, याद है मेरा मेन इक्वेशन क्या था, a0 = ये क्या था मेरा, ये था मेरा a0 at any moment of time, ये अब मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा अब हो जाएगा b at any moment of time, और अभी मुझे c at any moment of time ढूंढ के निकालना है, तो at निकाल दिया, bt निकाल दिया, अब ct निकालना बाकी है। एक काम करो, ct निकालना है ना, ये सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ तो a0 - में चला जाएगा, तो देखिए क्या हो गया, C यहीं पे था, a0 ऑलरेडी वहाँ पे पहले से था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, a0 ऑलरेडी पहले से यहाँ पे था, ये माइनस में जाएगा और ये वाला टर्म भी माइनस में जाएगा, तो ये भी टर्म माइनस में आ गया यहाँ पे, कहने से ये टर्म माइनस में आ गया यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में आ गया यहाँ पे। ये क्या है, a एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ये क्या है, b एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, और ये क्या था तुम्हारा, a0 था, a0, और ये क्या था तुम्हारा, c एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। समझ में आया क्या हुआ, अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इसको इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस देना है, कैसे, a0 कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो a0 बाहर निकल गया, अब यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर -e^(-k1)t बचेगा, और यहाँ पे a0 का, तो ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी, ये पूरा का पूरा टर्म बचेगा यहाँ पे, समझ में आया। अब इसको भी रीअरेंज करो, कैसे रीअरेंज करो, 1 - और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, 1 - जब मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा तो अंदर के माइनस का क्या हो जाएगा, अंदर के माइनस का प्लस हो जाएगा, e^(-ब्रैकेट का वैसे का वैसा रहेगा। अब एक काम करो, ये प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ अब ब्रैकेट भी ओपन कर लो, एक तो ये प्लस में जाएगा,
क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया और ऊपर से आप ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हो, तो ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली मुझे एक टर्म ये मिलेगा और दूसरा टर्म मुझे ये मिलेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? अब एक काम करो, k2 माइनस k1 इधर है पर इधर नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो और उसके डिवीजन में ले लो। तो जब k2 इंटू k1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब में k2 माइनस k1 आएगा, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन, सारे न्यूमिनेटर ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, k2 माइनस k1 e raised to k1 into t। कैन यू से दिस? यहाँ आई होप ये मैथमेटिकल स्टेप समझा आपको। मैंने सबका डिनोमिनेटर, कभी मेरे पास 2 + 3/4 होगा और 6/4 होगा, तो हम क्या करते हैं 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 4 नीचे लिख लेते हैं, तो 4 × 2 + 3 + 6 होल डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे k2 / k1 नहीं था तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर दिया, कॉमन आ गया, कॉमन इधर ले लिया। अब इसको ब्रैकेट को यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, सबको ओपन कर दो। जब सबको ओपन कर दिया, 1- अभी भी इधर है, 1- अभी भी, तो यहाँ से ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। आप प्लीज़ पेपर और पेन लेके इसको डेरिवेशन को लिखना, बहुत ब्यूटीफुल डेरिवेशन है। बचेगा क्या मेरे पास? सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, और बचेगा क्या सिर्फ मेरे पास ये वाला टर्म बचेगा और यहाँ का ये कॉमन बचेगा। समझ में आया? तो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, सी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम a0 1 - this term minus this term डिवाइडेड बाई k2 - k1। समझ में आया? सो दिस द फॉर्मूला फॉर योर सी। अब देखो आगे फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं at का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, at का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया था a0 into bt का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया था, ct का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया था। समझ में आया? और अगर ओवरऑल फार्मूला मुझे देखना है a0 कितना है, तो at + bt + ct, at का फार्मूला ये सब्सटीट्यूट कर दो, bt का फार्मूला ये सब्सटीट्यूट कर दो, ct का फार्मूला ये सब्सटीट्यूट कर दो, और सब में a0 कॉमन है, सब में a0 कॉमन है ना, तो a0 का सबका बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, इसका e^(-k1t) बचेगा, ओके, इसका ये वाला ब्रैकेट पूरा बचेगा, कैन यू से दिस, ये ब्रैकेट इतना पूरा, तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ आ गया, और इसका ये पूरा ब्रैकेट बचेगा, ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा, तो ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा, कैन यू सी दिस। तो ये मेरे पास डेरिवेशन है। अब देखो इस डेरिवेशन का कोई मकसद नहीं है, अब सिंस ये मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता है और उनके एकेडमिक्स में आता है, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन करा दिया है आपको। मैं यकीन मानिए मैं कहता हूँ, सच में कहता हूँ, बहुत सारी बुक्स मैंने रेफर की हैं इस डेरिवेशन के लिए, बहुत सारी बुक्स में इस डेरिवेशन को दिया ही नहीं है ढंग से, स्टेप्स ही गायब कर दी हैं। ये जो स्टेप्स हैं ये मैंने इनको एलाबोरेट किया है, अगर मुझसे कहीं गलती हो गई हो कहीं पे तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके। काफ़ी मैथमेटिकल था, बहुत कुछ करना पड़ा, मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को देखा, पूरी शर्मा पठानिया को देखा, बहुत सारे मैंने बुक्स देखे, बहुत सारे बुक्स में ये डेरिवेशन मुझे ढंग से कहीं मिला नहीं, मुझे ये ढंग से इंटरनेट पर भी मिला, तो मैंने खुद से ही स्टेप्स को एलाबोरेट कर लिया, थोड़ा मैथमेटिकल नॉलेज जो मेरे पास हल्का फुल्का सा था उससे। तो अगर कहीं पर मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, ऐसा समझ के कि यार कम ऑन, बच्चे ने खुद से किया है, मेहनत की है, अप्रिशिएट ही कर देना उसको, ठीक है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितना टाइम लगेगा बी को मैक्सिमम पहुंचने के लिए, मतलब जो ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, यहां पर ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, एक टाइम तो ऐसा आया होगा जब बी मैक्सिमम हुआ होगा, सबसे ज्यादा बी का कॉन्सेंट्रेशन हुआ होगा, कितना टाइम लगेगा बी को मैक्सिमम पहुंचने में, और इस कंजुगेटिव रिएक्शन के ग्राफ कैसे आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, बाय बाय।